ठहरो, अब मेरी बारी है गाड़ी चलाने की। चलो थोड़ा आराम करो, ये अच्छी बात नहीं है। तुम अकेले ही सारे कामों का बोझ अपने सर पर मत उठा लो मेरे भाई। शुक्रिया भाई, पर अभी तो तुम बहुत छोटे हो। घबराओ मत, मैं बहुत बहादुर हूँ। संभल कर। बहुत अच्छे। चलो जल्दी चले। अचानक इसका वजन इतना क्यों बढ़ गया? बकवास बंद करो और चुपचाप चलते रहो ताकि हमारा काम आसानी से हो जाए। क्या हो रहा है? तुम बड़े धोखेबाज हो। हाँ? तुम ऐसे नहीं बोल सकते, तुम मुझसे छोटे हो, बल्कि ये सारा काम तुम्हें अकेले ही करना चाहिए। किया है। मेरे कोई धोखा नहीं किया। ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। तुम बड़े हो, तुम्हें समझना चाहिए। छोटे हो, बंद करो मुझसे। क्यों किया ऐसा? अब मैं नहीं उठाऊंगा। ये तो हमारे पड़ोसी है, झगड़ क्यों रहे हो? तुमने धोखा दिया है, मैं ये वजन नहीं उठाने वाला। फिर वही बात, मैं तुम्हें सिखाता हूँ बड़े की इज्जत कैसे करते हैं। हाँ, शांति रखिए, लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होने वाला है, लड़ने से तो बात और भी बिगड़ जाएगी। हमें कोई आइडिया बताओ ना। आइडिया? ठीक है, काम का बंटवारा कर लो जैसे हम करते हैं। बहुत अच्छा आइडिया है, तुम आगे रहो और मैं पीछे रहूंगा और फिर हम